शनिवार को गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, उसके बाद डोल ग्यारस, तेजा दशमी और मोहर्रम का पर्व भी आने वाला है। इसी विषय को लेकर उज्जैन प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री सविता सुहाने व जिला कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा सभी पुलिसकर्मी, अधिकारियों व जनप्रतिनिधि और आमजन की समीक्षा बैठक लेकर कोविड-19 का ध्यान रखते हुए ही आने वाले त्योहारों को मनाएं, इस प्रकार का संदेश भी दिया गया। साथ ही सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सतर्क रहने को भी कहा गया। समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से सिटी एडिशनल SP रुपेश द्विवेदी, आकाश भूरिया, अमरेंद्र सिंह, CSP पल्लवी शुक्ला, रजनीश कश्यप, IPS अफसर डॉक्टर रविंद्र वर्मा, CSP HN बाथम, RI जयप्रकाश आर्य, प्रभारी संजय वर्मा, OP अहिर, अरविंद तोमर, JR बर्थडे, महेंद्र सिंह परमार, पृथ्वी सिंह खेलाटे, मुनेन्द्र गौतम, प्रेम नारायण शर्मा, आरक्षक वीरेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र जाट सहित संपूर्ण पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यहां नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, इस प्रकार के निर्देश पुलिस अधीक्षक श्री सविता सुहाने द्वारा दिए गए। ली गई है जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के समस्त अधिकारी मौजूद थे। किस संदर्भ में आपने लिया और क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए? आप जैसे जानते हैं कि कल से गणेश बैठ रहे हैं और सभी को आदेश है कोरोना कोविड-19 को लेकर के कि कहीं भी इस तरीके के सार्वजनिक आयोजन नहीं होना है। तो ये बैठक बुलाने का उद्देश्य आयोजकों को सही दिशा निर्देश देना है और आगामी जो अभी 8-9-10 दिनों में कार्यक्रम त्यौहार आने वाले हैं, जैसे कि ढोल ग्यारस है या तीजा दशमी है या आनंद चौदस है जो गणेश विसर्जन होता है, उसमें क्या हमारे कार्य की रूपरेखा होगी और पुलिस विभाग की और राज्य प्रशासन की क्या अपेक्षाएं जनता से हैं, आयोजकों से हैं, इस संबंध में उनको दिशा निर्देश देने के लिए बुलाया गया। आने वाले त्यौहार को लेकर क्या संदेश देंगे? सभी से ये कहेंगे कि एक भारत के ऊपर एक बड़ी समस्या है और इसका सबको, हम सबको मिलकर सामना करना है और इस समस्या का सामना हम तभी कर पाएंगे जब हम घर से कम बाहर निकलें और आवश्यक होने पर ही निकलें और एक सोशल डिस्टेंस के साथ साथ अपनी सुरक्षा, सतर्कता और सजगता स्वयं बनाए रखें, क्योंकि जितने दिशा निर्देश शासन प्रशासन को देने थे वो आपको दिए जा चुके हैं। अब हमको स्वयं व्यक्तिगत हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसमें आगे बढ़कर इस युद्ध में अपना सहयोग दें। नियम का उल्लंघन करने पर कौन सी कार्रवाई पुलिस करने जाएगी? जो नियम अनुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।